नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बार फिर से दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियाँ मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसका दोस्तों ओवरऑल मिलाकर पार्ट नंबर 3 है ये। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोनों पार्टों के लिंक दोस्तों इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएंगे और पूरी PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मैं रोजाना आप सभी को देता हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर एक मुहावरा है, कूप मंडूक। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कूप मंडूक इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ होता है दोस्तों संकुचित ज्ञान वाला, यानी कि कम ज्ञान वाला। ठीक है, अगला काठ की पुतली होना यानी कि शक्तिहीन होना। काठ की पुतली होना मुहावरे का क्या अर्थ है? शक्तिहीन होना यानी कि शक्ति पास ना होना। अगला कान खड़े होना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक तो भयभीत हो जाना और एक चौकन्ना हो जाना। ठीक है, कान खड़े हो गए यानी कि भयभीत हो गए या फिर चौकन्ने हो गए। नेक्स्ट कुत्ते की चाल जाना, बिल्ली की चाल आना। ठीक है, कुत्ते की चाल से तो गए लेकिन बिल्ली की चाल से आए, यानी कि बहुत जल्द जाना आना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कुम्हाड़े, मतलब कुम्हाड़े की बतिया। ठीक है, कुम्हाड़े की बतिया यानी कोमल और आसक्त व्यक्ति। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कुम्हाड़े की बतिया इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो कोमल और आसक्त व्यक्ति। कोल्हैया में गुड़ फोड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? छिपाकर काम करना। नेक्स्ट अगला देखिएगा, कलेजा मुंह को आना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि दुख होना। नेक्स्ट के हंसा मोती चुगे, ठीक है, के हंसा मोती चुगे के भूख और रह जाए इस मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। ठीक है, नेक्स्ट कैफियत तलब इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कारण पूछना। ठीक है, कैफियत तलब करना यानी कि कारण पूछना। नेक्स्ट काले के आगे दिया ना जलाता, ठीक है, तो काले के आगे दिया ना जलता या फिर इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? बलवान के आगे किसी का वश नहीं चलता। नेक्स्ट कोयल होए ने उजली सोमन साबुन लगाई इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। अगला कोढ़ी डरावे थूक से इस मुहावरे का क्या अर्थ है? निर्बल थोड़े आचरण से दूसरों को डराते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कोठी बैठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों कोठी बैठाना इस मुहावरे का अर्थ है पूरी तरीके से दिवाला निकालना। नेक्स्ट देखिएगा खाल उठाए सिंह की सियार सिंह नहीं होए। ठीक है, यानी कि खाल उठाए सिंह की, मतलब शेर की खाल उठाने से जो सियार यानी कि गीदड़ है वो शेर नहीं हो जाता, यानी बाहरी रूप से बदलने से दोस्तों इसका मतलब रखा गया है। ठीक है, यानी बाहरी रूप से दोस्तों उसके गुणों का व्याख्यान नहीं हो सकता। अगला खरी मंजूरी चोखा काम। ठीक है, खरी मंजूरी चोखा काम यानी उचित परिश्रम से अच्छा काम होता है। अगला खूंटा के बल बिछड़ा कूदे। ठीक है, खूंटा के बल बछड़ा कूदे इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दूसरे के बल पर काम करना। खाक में मिलाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों नष्ट कर देना। नेक्स्ट खेल बिगाड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? काम बिगाड़ना। नेक्स्ट देखिएगा खटिया में कोयल इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बेमेल मिश्रण, यानी खटिया में कोयल यार कोई मिश्रण है नहीं। ठीक, खबर लेना यानी कि दंड देना या देखभाल करना, किसी की खबर लेना या फिर दंड दे रहे हैं या फिर आप उसकी देखभाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा खेत रहना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों लड़ाई में मारा जाना। खाक उड़ाते फिरना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों यानी कि भटकना। नेक्स्ट खुशामंदी टूट होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों यानी कि खुशामंदी टट्टू है दोस्तों ये। ठीक है, खुशामंदी टट्टू होना यानी कि चापलूस होना। अगला खुगीर की भर्ती इस मुहावरे का क्या अर्थ है? व्यर्थ पदार्थों का संग्रह। नेक्स्ट दोस्तों खाला का घर इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि अपना घर या सहज काम। ठीक है, नेक्स्ट खुले में फरोक्कावादी इस मुहावरे का क्या अर्थ है? निष्कपट व्यवहार। खिल्लियां उड़ाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? उपहास करना या किसी की, दोस्तों आपको पता है खिल्ली उड़ाना। ठीक है, ख्याली पुलाव पकाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों यानी कि मनमानी कल्पना करना, ख्याली पुलाव पकाना। नेक्स्ट खटाई में पड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? व्यवधान आ जाना। नेक्स्ट खरी खोटी सुनाना या फिर खोटी खरी सुनाना, तो डांटना फटकारना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आंतरिक षड्यंत्र रचना। नेक्स्ट खाक छानना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों भटकते रहना। और गुदड़ी का लाल होना, कहते हैं ना भाई तेरी तो गुद्दी लाल हो रही है, तो दीनता में अभियुनति करने वाला व्यक्ति।
नेक्स्ट देखिए गाल फूलना इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, एक तो रोटना और एक नाराज होना। नेक्स्ट गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, ठीक है गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, तो इस मुहावरे क्या अर्थ है, मिथ्या स्वांग रचाना यानी कि झूठा स्वांग रचाना। नेक्स्ट गाजर मूली समझना यानी कि महत्वहीन समझना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट गले का हार होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट गड़े मुर्दे उखाड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, निरर्थक पुरानी बातों को उद्घाटित करना। नेक्स्ट देखिएगा गज भर की छाती होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, गर्व महसूस करना। नेक्स्ट गढ़ फतेह करना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत कठिन काम करना। गति पाना यानी कि मोक्ष गति पाना, तो मोक्ष गति पाली। नेक्स्ट गति होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, किसी विषय की जानकारी होना। गर्दन पर छुरा फेरना तो इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, हानि पहुंचाना। नेक्स्ट गंगा नहाना इस मुहावरे का, कठिन कार्य को पूर्ण कर लेना या फिर कठिन कार्य पूरा हो जाना। नेक्स्ट देखिएगा क्रिकेट की तरह रंग बदलना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, एक रंग ढंग पर न रहने वाला व्यक्ति या फिर अवसरवादी होना। गोबर गणेश यानी कि बिल्कुल वज्रमूर्ख या बेवकूफ, मतलब दोस्तों अगला है गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना यानी थोड़े ही में सब कुछ कह देना। गिन गिन कर दिन काटना यानी परेशानी में जीवन बिताना। और गुल खिलना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, कोई बखेड़ा ना करना, गुल खिलाना है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिएगा गूलर का कीड़ा इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, अल्पज्ञ व्यक्ति और गाढ़े का साथी यानी संकट काल में सहायता करने वाला व्यक्ति, भाई कहते भाई गाढ़े का साथी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, गौढ़े की नाव इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, संकट के समय सहायक। अगला गर्म होना यानी कि किसी के ऊपर नाराज हो जाना। गर्दन फंसाना यानी कि परेशानी में पड़ना, फिर या फिर ऐसा कर लीजिए गर्दन फंसना तो परेशानी में पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों गुस्सा पीना यानी कि क्रोध प्रकट न करना। गांठ बांधना इस मुहावरे का अर्थ है, हमेशा याद रखना, ठीक है भाई। गहरा हाथ मारना अच्छी वस्तु को प्राप्त कर लेना। और गोटी बैठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, युक्ति सफल होना। और गूंगे का गुड़ यानी अकथनीय सुख, ठीक है तो गूंगे का गुड़। नेक्स्ट देखिएगा गोलमाल करना, गोलमाल करना यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ करना, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट गई मांगने पूत को खोवाई भरतार, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, थोड़े लालच के चक्कर में या फिर लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान। नेक्स्ट गरीब की जोरू सबकी भौजाई, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, कमजोर से सब लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट गरीब की हाय बुरी होती है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो गरीब को सताना बहुत बुरा होता है। अगला गोद में बैठकर आंखों में उंगली, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, भलाई के बदले बुराई। नेक्स्ट गागर में अनाज गवार का राज, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, मूर्ख थोड़े में इतरा जाते हैं, जो लोग मूर्ख होते हैं ना वो थोड़े में ही इतरा जाते हैं, तो गागर में अनाज गवार का राज। नेक्स्ट देखिएगा गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, पास में रही वस्तु, ठीक है पास में रही वस्तु की दूर तक तलाश। अगला गौ का यार, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, स्वार्थी। नेक्स्ट गुरु कीजिए जान पीजे, ठीक है गुरु कीजिए जान पानी पीजे छान, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, जानकारी प्राप्त करके ही कोई काम करना चाहिए। घर फूंक कर तमाशा देखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। नेक्स्ट घोड़े के आगे गाड़ी रखना यानी कि विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों गिग्गी बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, स्पष्ट बोल ना सकना। और घूंघट की लाज, तो घूंघट की लाज दोस्तों आत्म सम्मान की सुरक्षा करना। नेक्स्ट देखिएगा घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभवी होना, ठीक है। घाव का हरा होना यानी कष्ट का पुनः प्रादुर्भाव होना, या फिर कष्ट जो है पुनः वो निकल आना, जागृत होना। नेक्स्ट देखिएगा घर में गंगा बहना, अच्छी चीज पास में ही मिल जाना। और घी दूध की नदियां बहाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, अत्यंत संपन्न होना। नेक्स्ट काठ का उल्लू होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, बड़ा मूर्ख यार ये तो काठ का उल्लू है। नेक्स्ट कागजी घोड़े धोना इस दौड़ाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, खूब लिखा या फिर खूब लिखा पढ़ा पढ़ाना या फिर खूब लिखाई पढ़ाई करना। नेक्स्ट काफूर होना यानी कि गायब होना। नेक्स्ट देखिएगा काया पलट जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, भारी परिवर्तन होना। अगला कलेजे पर सांप लेटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, ईर्ष्या या जलन होना। कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, अधिक समृद्धि भी दुखदायी होती है। नेक्स्ट किए किराए पर पानी फेरना यानी कि काम बिगाड़ देना। कलेजे पर पत्थर रखना मुश्किल में या फिर मुश्किल में धैर्य धारण करना या फिर मुश्किल से धैर्य धारण करना। कच्ची गोटी खेलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, असफल प्रयास या फिर अनुभवहीन कच्ची गोटी खेलना। कफन से सिर बांधना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, हर तरफ की बाधा झेलने के लिए तत्पर होना।
अगला है दोस्तों, किटकर रह जाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट, कौए उड़ाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? निष्कृष्ट कार्य। किताब का कीड़ा होना यानी कि अधिक पढ़ने वाला। कागज काले करना यानी कि व्यर्थ लिखना। अगला देखिए, कान खाना यानी ज्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना। काबुल में क्या गधे नहीं होते इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छे स्थान पर बुरे लोग भी होते हैं। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो अच्छे लोग मैं फिर अच्छे स्थान पर बुरे लोग भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट, कान फूकना यानी चुपके से कह देना। कान फूक दिया, चुपके से कह दिया। कान लगाना किसी की बात पर ध्यान देना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कंधे से कंधे मिलाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पूर्ण रूप से सहयोग देना। कौड़ी के मोल बिकना यानी कि बेकार है, बिल्कुल कौड़ी के मोल बिक रही है। कीचड़ उछालना यानी कि बदनाम करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। कंधा डालना, तो कंधा डालना यानी कि हार मान लेना। कंधा लगाना तो किसी का सहारा बनना। अगला है दोस्तों, कहका मारना यानी कि खूब जोर से हंसना। कदम पर कदम रखना यानी कि उसके कदम अनुसार चल रहे, यानी अनुसरण कर रहे हो उसका बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, कुआं खोदकर पानी पीना यानी जीविका हेतु श्रम करना या फिर मेहनत करना। कुएं में बांस डालना यानी कि बहुत ज्यादा खोज करना। काटो तो खून नहीं इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बहुत डर जाना। कागज की नाव अस्थाई वस्तु का होना। कलेजा दूना होना यानी कि साहस का बढ़ना। तो मुहावरे का दोस्तों अर्थ आप सभी लोग जान रहे हैं। कलेजा थाम कर रह जाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मन महसूस कर रह जाना। कलेजा थाम कर बैठना, बड़ी बड़े इत्मीनान से बैठना। कल पढ़ना यानी कि चैन मिलना। भाई मेरी तो कल पड़ गई यानी कि मुझे तो चैन मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कल्पना के घोड़े दौड़ाना यानी बिना सर पैर की बात करना। कांटों पर लेटना दोस्तों या फिर कांटों पर लौटना क्या हो जाएगा इसका अर्थ? दुख से लड़ना। कान पकड़ना यानी कि गलती अपनी स्वीकार कर लेना। कलेजा दो टूक होना यानी कि बहुत दुखी होना, ठीक है। कान में तिल डाले बैठना इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? कान में तिल डाले बैठना तो यानी अनसुनी कर देना। नेक्स्ट वन, कान मतलब कानों कान खबर ना होना यानी किसी को जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, तो जानकारी ना होना। कारू का खजाना, तो कुबेर का कोष या अतुल धनराशि, तो बोलते हैं उसे कारू का खजाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? कुबेर का कोष या अतुल धनराशि, अतुल में ज्यादा। काशी करवट लेना, तो काशी करवट लेना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों? कठोर से कठोर दुख सहना। नेक्स्ट, कूच कर जाना यानी कि प्रस्थान कर जाना या फिर भाग जाना। दूज का चांद होना यानी कि कम दिखाई देना। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूसरे के सहारे कार्य संपादित करना। देसी घोड़ी लाल लगाम यानी कि बेमेल बात, ठीक है। देसी घोड़ी और लाल लगाम यानी कि बेमेल बात। दांत काटी रोटी होना यानी कि गहरी दोस्ती होना। दांतों में तिनका लेना, तो यानी कि दया करने के लिए विनती करना या अधीनता स्वीकार कर लेना, यानी दांतों में तिनका लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला, दाग लगाए लंगोटिया यार इस मुहावरे का क्या अर्थ है? व्यक्ति अपनों से ही धोखा खाता है। अगला है, दमड़ी का तीन होना यानी कि सस्ता होना। दरकिनार कर देना यानी कि अलग थलग कर देना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। दमड़ी का तीन होना तो सस्ता होना। अगला दोस्तों, धाक जमाना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रभुत्व स्थापित करना। धूल में मिलाना मुहावरे का अर्थ बर्बाद होना। धूल फांकना इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों? मारे मारे फिरना। नेक्स्ट देखिए, धरती पर पांव ना रखना इस मुहावरे का अर्थ? घमंड से चूर रहना। धूप में बाल सफेद न करना यानी कि अनुभवी होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, धोखे की टट्टी इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? सराहनीय वस्तु, ठीक है। धज्जिया उड़ाना यानी बुरी तरह से परास्त कर देना। और धींगा धींगा चलना यानी कि अत्याचार या अन्याय होना। नेक्स्ट, धुएं का धरोवर इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? क्षण भंगुर वस्तु। नींव का पत्थर यानी कि उसका स्थायी आधार है। नेक्स्ट देखिएगा, नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कि सम्मान की सम्यक रक्षा करना। और 99 के फेर में पड़ना यानी कि धन संग्रह की चिंता में पड़ जाना। 99 के फेर में पड़ गए भाई। नेक्स्ट देखिएगा, नमक अदा करना यानी कि उपकारों का बदला चुकाना। नक्कारों की चोट इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों? खुल्लम खुल्ला। नयन चढ़ाना यानी कि आंख चढ़ाना यानी क्रोध से भ्रटु की तानना। अगला देखिएगा, नयन लगाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों? प्रेम होना। नैनों से रक्त की धार बहना यानी कि कठिन दुख होना। और नहले पर दहला मारना यानी कि करारा जवाब देना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नाम लेवा ना पानी देवा इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खानदान में सभी का मर जाना यानी कि नाम लेवा ना पानी देवा, कोई नहीं बचा। अगला देखिएगा दोस्तों, नदी नाव संयोग इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अप्रत्याशित मिलन, ठीक है। नदी नाव संयोग, इन नदी का और नाव का दोस्तों कभी संयोग होता है? मिलन होता नहीं। तो नशा उतारना यानी कि वास्तविकता का ज्ञान होना, नशा उतारना का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नाई
अगला देखिएगा, नाई देख हजामत बढ़ाना यानी किसी वस्तु को देखकर उसकी आवश्यकता प्रतीक होना। नाक पर सुपारी तोड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, बहुत तंग करना। नेक्स्ट नंग मतलब नंग बड़ा परमेश्वर से इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, निर्लज से सभी डरते हैं यानी कि जो जिनके लज्जा नहीं होती आंखों में उनसे सभी डरते हैं। नाक रगड़ना यानी कि खुशामत करना दोस्तों इस मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। नेकी और पूछ पूछ इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बिना कहे ही भलाई करना, नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, नाम बड़े और दर्शन छोटे इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्धि के अनुसार अनुरूप गुण का ना होना। नेक्स्ट देखिएगा, न अंधे को न्योता देते, ठीक है, ना अंधे को न्योता देते न दो जने आते, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, गलत आदमी को बुलावा देना। अगला है दोस्तों, नई घोषण उपलों का तकिया, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, नए शौकीन अटपटा कार्य करके अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्राणों पर खेलना यानी कि प्राणों की परवाह न करके खतरे में पड़ना, पजामे से बाहर होना, अत्यधिक रोष प्रकट करना यानी कि क्रुद्ध होना। अगला देखिएगा नेक्स्ट वन दोस्तों, इतने ही दोस्त इसमें रखे गए हैं आप सभी के लिए आज मुहावरे। चलिए कल एक और वीडियो आप सभी को दी जाएगी, वो रहेगा पार्ट इसका 4। ठीक है, ये पार्ट 3 था तो पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।